कोर्ट में हमारे पैसे लगे तब लाए, तो उसका असर क्या पड़ा? ना तो किसान अब बैल लेने नागौर आने की हिम्मत जुटा पा रहा है, और नागौर के लोगों के जो उन इकोनॉमी जिनकी बछड़े थी, ये ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं। अगर आपको अपनी कोई भी ये जो तस्कर हैं, जो गो तस्कर हैं, कहीं से कहीं भी गाय ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बस ये जो एरिया के इंचार्ज इनके बने हुए हैं, उनसे अपनी तय कर लो। ये क्या जाने गाय की कदर करना, इनको क्या पता कि गाय क्या होती है और गौ माता क्या होती है, अगर ये बहुत बड़े गौ रक्षक हैं। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाट महासभा के सेक्रेटरी चौधरी युद्धवीर सहरावत। हरियाणा पुलिस युद्धवीर साहब, एक सवाल और है कि ये भी माना जा रहा है कि जैसे कि इस नू हिंसा से या फिर इस तरह की जो हिंसा हुई, इसके बाद बजरंग दल या फिर जो भी धार्मिक संगठन हैं, अब उनको जाटों ने, गुजरों ने, यादवों ने सहयोग करने से मना कर दिया। तो जो जाट और नॉन जाट वाला जो एक पूरा एंगल बीजेपी का जो बताया जा रहा था, इससे पहले भी चुनावों में ऐसा किया गया, इस तरह का आरोप था, तो अब ये है कि ये तो एक बार फिर से वैसी तस्वीर कर दी है, क्या आप इससे इत्तफाक रखते हैं? देखिए क्या हो रहा है, समाज समाज इससे उकता गया, इस तरह की जो ये हरकतें करते हैं, इससे समाज उकता गया जी। और आहिस्ता आहिस्ता समाज जो है वो समझने लगा है कि ये कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और भाईचारा बिगाड़ के अपनी दुकानें चलाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो है गौरक्षक दल है, इन्होंने हमारे किसान को जितना परेशान इन लोगों ने कर रखा, किसी ने नहीं किया जी। ये हम बैल लेके आते हैं नागौर से जी। पूरा उत्तर भारत नागौर के बैलों पर निर्भर करता, खेती में बिल्कुल किसान की पहली पसंद होती है नागौरी जोड़ी जी। हम हमारे किसान वहां से बैल लेके पैदल चलते थे और पीलीभीत तक, पीलीभीत और उधर बस्ती तक, नेपाल बॉर्डर तक हमारे बैलों की डिमांड थी जी। अब तो मैं आपको अपने साथ बीती हुई घटना बता रहा हूँ। मुजफ्फरनगर के कुछ किसानों ने मुझसे कहा कि आप हमारी मदद कर दें, नागौर से बैल लेके आएंगे हम, आपकी जाट महासभा का मजबूत संगठन है राजस्थान में, हमारे बैलों को सुरक्षित वहां से निकलवा दें राजस्थान से जी। किसान थे वो सारे, हम जानते हैं एक एक का नाम और गांव जानते थे जी। और मैंने प्रयास किया, अपने संगठन के लोगों को लगाया, तो मैं हार गया आके कोटपुतली। कोटपुतली इन्होंने उनको घेर लिया और उनको घेर के ये लोग थाने में ले गए, और डीएसपी साहब से हमने कहा कि ये किसान है और फला फला है, और जहां से कहो हम इसका वेरिफिकेशन करा दें। वो कह रहे मैं मजबूर हूँ इन लोगों के सामने, और वो गौशाला में दिए गए बैल खरीदे हुए हमको कोर्ट में जाके नेक्स्ट डे वो छुड़ाने पड़े। गौशाला वालों ने खर्चा लिया हमसे, कोर्ट में हमारे पैसे लगे तब लाए, तो उसका असर क्या पड़ा? ना तो किसान अब बैल लेने नागौर आने की हिम्मत जुटा पा रहा है, और नागौर के लोगों के जो उन इकोनॉमी जिनकी बछड़े थी, उनकी इकोनॉमी जीरो हो गई है, वहां बछड़े का खरीदार कोई नहीं जाता आज के दिन। तो ये तो दुश्मन है, धंधा कर रहे हैं, और आज जो भी है ये ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं। अगर आपको अपनी कोई भी ये जो तस्कर हैं, जो गो तस्कर हैं, कहीं से कहीं भी गाय ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बस ये जो एरिया के इंचार्ज इनके बने हुए हैं, उनसे अपनी तय कर लो। ये गाय निकलवाते हैं पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पास करा देते हैं गायों से भरा हुआ ट्रक। तो ये कोई गौरक्षक थोड़ा ही है। हम गाय को रखते हैं, गाय को पालते हैं, मेरे पास भी 5 गाय हैं, गाय को रखते हैं, गाय कोई मर जाती है तो अपने उसको अपने उसमें ही बगड़ में ही उसको दफन करते हैं, कहीं ले नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हमारी गाय है, उसका दूध हमने पिया। ये क्या जाने गाय की कदर करना, इनको क्या पता कि गाय क्या होती है और गौ माता क्या होती है। अगर ये बहुत बड़े गौ रक्षक हैं, तो एक एक गाय अपने घर बांध लेना, समस्या खत्म हो जाए देश से जी। ना गाय सड़कों पे घूमेगी, ना कोई उठा के ले जाएगा। हम ऐसा नहीं है कि उनके हिमाती हैं और हम गाय से हमारा गाय का हमसे ज्यादा गाय को कौन समझता, हम किसान हैं जी। हम गाय को रखते हैं, गाय कभी बेचते नहीं, गाय मर जाए तो उसको उठवाते नहीं है, उसकी चमड़ी उतारने के लिए नहीं देते हैं, उसको खड़ा खोद के दाब देते हैं। बैल गाय का हमारे यहाँ कल्चर रहा है जी। तो ये लोग जो मतलब बिल्कुल जिनका कुछ नहीं है, जिन लोगों ने वातावरण खराब कर रखा, वो ठीक है, मुसलमानों में भी अगर कोई करता है इस काम को, निंदनीय है, नहीं करना चाहिए, और उसको
पनिशमेंट भी उसको जो हमारा संविधान कहता होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष कौन होता है किसी को सजा देने वाला। जी ये उड़दंग और ये अराजकता जो जिस तरह की फैला रखी है, इससे मतलब